नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कालिम्पोंग में हूँ, मेरे घर में। तो आज आप लोगों को पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब भी मैं घर आता हूँ आलू दम सब समय खाता हूँ। तो आज मैं सिर्फ आलू बना रहा हूँ, इसके साथ ऊपर मिला के खाऊँगा, वो भी मैं आप लोग को देखूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पर आलू बन रहा है, तो आलू किस तरह बनता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। अभी ये मसाला बन रहा है, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें जाएगा टमाटर, लहसुन और प्याज और क्या बोलते हैं इसमें काला जीरा, इतना ही, और थोड़ा सा मिर्ची। साथ अनुसार आप लोग अगर ज़्यादा तीखा खा सकते हो, जितना भी आप लोग को खाने का इच्छा हो, जितना आप लोग तीखा बना कर खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना तीखा नहीं खाता हूँ। और इसमें क्या बोलते हैं, हल्दी, नमक, इतना ही है। तो देखिए अभी ये हम रेडी हो चुके, तो अभी जाएगा इसमें आलू। तो ये देखिए अभी आलू रेडी होने जा रहे हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तो रेडी बना कर रखा है पहले से, ये है थुप्पा। आलू के साथ यह है चना, इसको बोलता है पीरो चना। यहाँ पर इसे करके मिक्स करके ऐसे करके पीरो चना इसको मिक्स कर कर खाने का मजा ही कुछ और है। और जब भी मैं कालिम्पोंग में आता हूँ घर में, कभी भी आलू खाता ही खाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। उधर प्लेन्स में मूरी घूनी चौप, और यहाँ पर घर में आने के साथ ये मेरा शुरू हो जाता है। जितना दिन भी यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा आलू थुप्पा मैं खाता ही खाता हूँ। ये देखिए इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, वो भी पीरो चना के साथ। ये खाने का मज़ा जो आता है ना, वो जो खाएगा उसको ही पता है। ये ज़्यादातर जो भी कालिम्पोंग का जितना भी आदमी लोग बाहर में काम करने जाते हैं, वो लोग को पता रहता है आलू थुप्पा क्या चीज है। ये खाने का मजा सिर्फ कालिम्पोंग में मजा आता है। सुपर। घर में बना के खा सकते, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये खाने का टेस्ट ही अलग रहता है। वो भी पीरो चाने के साथ।
बापू जो है और पाई हूँ बात पकाई हो मदद आँदे भाई।